और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान जी के बीच में इंडस करार के रूप में प्रसिद्ध एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट के अनुसार विशेष रूप से रवि, ब्यास और सतलज ये नदियों का पानी भारत को मिलेगा और उसके साथ साथ बाकी जो नदियां हैं जो भारत से निकलती है उसका पानी पाकिस्तान को मिलेगा। हमारे ये तीन नदियों का पानी जो भारत को मिलने वाला है उसमें हमारा हिस्सा जो था वो टोटल 33 मिलियन MF था, उसमें से अभी तक हमने 31 MF यूज किया है। अभी हमने तय किया है कि बाकी का भी पानी हम लोग भारत में उपयोग में लाएंगे और इसके लिए तीन डैम बनाने की हमने तीन योजनाएं तैयार की है जिसको कैबिनेट की भी अभी अप्रूवल मिला है। एक शाहपुर कांडी, यहाँ हम लोग कश्मीर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका पानी जम्मू कश्मीर को मिलेगा, पावर भी मिलेगी और एक्सेस वाटर पंजाब में हम लोग लेके जाएंगे। दूसरा उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, उसका भी हमने मंजूरी दी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है सेकंड रावी ब्यास लिंक बिलो उच्च। ये तीनों प्रोजेक्ट होने के कारण ये पूरा पानी हम रोक कर हम निश्चित रूप से हमारे देश में पाकिस्तान को जो आ रहा था हमारे अधिकार का पानी ये हम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को दे पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से ये जो एग्रीमेंट हुआ था तब अयूब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट में भाव था वो हमारे बीच में सद्भाव, प्रेम और समन्वय और सामंजस्य निर्माण हो इसलिए ये एग्रीमेंट हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े भाई के भूमिका में ये पानी हमने हमारे नदियों का उनको दिया था। पर पाकिस्तान ये सौहार्द भी गायब हो गया, ये हमारे बीच में जिस प्रकार की रिलेशनशिप आज हो रही है विशेष रूप से आतंकवाद और आतंकवादियों को सपोर्ट करके इस पूरे स्पिरिट को पाकिस्तान ने समाप्त कर दिया है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता में असंतोष है, क्षोभ है। लोगों ने भी मेरे पास भी मांग की है कि अब इनका एक बूंद भी पानी पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए। ये निर्णय करना केवल मेरे डिपार्टमेंट का अधिकार नहीं है पर इसके बारे में निर्णय भारत सरकार और प्रधानमंत्री और उच्च स्तर पर इसका निर्णय होगा। पर मैंने अपने डिपार्टमेंट को यह कहा है कि पाकिस्तान में उनके अधिकार का भी जो पानी जा रहा था वो कहाँ का रोक सकते हैं, उसके DPR बनाकर उसका टेक्निकल डिजाइन तैयार करके तैयारी करो। अगर इसी प्रकार का बर्ताव ये हमारे साथ करेंगे और आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेंगे तो मानवता के आधार पर इनके साथ अच्छे व्यवहार करने का क्या मतलब है। और इसलिए वो भी तैयारी हम कर रहे हैं, पाकिस्तान तुरंत आतंकवादी कार्रवाइयों को रोके, अन्यथा हम चाहे जितना पैसा लगे उतना खर्चा करके ये पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोकेंगे, फिर इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। पर ये निर्णय जो है ये मेरे डिपार्टमेंट के लेवल पर नहीं हो सकता, इसका उचित निर्णय प्रधानमंत्री और भारत सरकार उचित समय पे करेगी।